रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान सासाराम में हुई हिंसा को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से ठप की गई इंटरनेट सेवा को शनिवार से बहाल कर दिया गया है। जिले में आज अहले सुबह ही इंटरनेट सेवा की सुविधा लोगों को एक बार फिर से मिलने लगी। रामनवमी के जुलूस के बाद जिस तरह से उपद्रव फैला था उसको देखते हुए सासाराम में 31 मार्च को ही इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई थी, लेकिन अब जब तनाव कम हो गया है तो जिला प्रशासन द्वारा इंटरनेट सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। हालांकि सेवा बहाल किए जाने के साथ प्रशासन और भी चौकन्ना हो गया है। पुलिस प्रशासन लगातार सोशल साइट पर नजर रख रही है। इसके साथ भड़काऊ पोस्ट को लेकर अधिकारी सतत निगरानी कर रहे हैं। जिले के कलेक्टर ने साफ कहा कि गलती से भी अफवाह का भ्रामक खबर पोस्ट किए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ आम लोगों से अपील होगा कि वो लोग जब इंटरनेट को का यूज उनके द्वारा होगा तो काफी सतर्कता से सावधानी से यूज करेंगे। कोई भी अफवाह गलत सूचना फैलाने में सहयोग नहीं करेंगे। हम लोगों को आशंका है कि संभव है कि कुछ आपत्तिजनक वीडियोज और सब जगहों के कहीं कहीं का जो है जगह का जो है वीडियो रोहतास के नाम पे डाला जा सकता है। तो ऐसे सभी जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया साइट्स हैं नजर उन पे हम लोगों की है, और यदि भूलवश भी एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा होता है भूलवश भी तो उनके ऊपर FIR होगा और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अभी जो हम लोग का लास्ट वीक का इंसिडेंट हुआ है उसमें भी कुछ वीडियोज हम लोग को जो है आपत्तिजनक वीडियोज प्राप्त हुए हैं, उनके जो है ग्रुप एडमिन की जो है गिरफ्तारी भी हुई है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों से आग्रह होगा कि बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। ऐसा हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत बार बाकी जगहों के जो है वीडियोज जो है वो एक स्पेसिफिक जगह का बता करके जो है शेयर कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग उस एरिया को जो लोग नहीं जानते उनको लगता है कि यही सच्चाई है, बाद में फिर अफवाह साबित होती है। तो मैं फिर से सभी लोगों को इसके लिए सतर्क करता हूँ। शहर के वरिष्ठ लोगों और संगठनों से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जितने वरिष्ठ और बुद्धिजीवी लोग हैं, शांति के जो लोग हिमायती लोग हैं, उनका हम लोग को निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त हुआ है, लेकिन अब उनसे जो है हम लोग का विशेष आग्रह है कि अब उनको अपनी सक्रियता जो है बढ़ानी होगी, और उनकी सक्रियता के माध्यम से ही समाज के जो कुछ एकाध दो लोग जो गड़बड़ी करने के फिराक में रहते हैं उन पर रोक लगाया जा सकता है। तो मेरा आग्रह होगा कि आप सभी लोग एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छे से और अधिक सक्रियता से सहयोग। इंटरनेट सेवा बहाल कर दिए जाने के बाद से सासाराम के लोगों ने राहत की सांस ली है। ये सेवा बंद किए जाने की वजह से पढ़ाई लिखाई कारोबार बैंकिंग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। प्रशासन की देखरेख में बाजार को खोल दिया गया था, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे थे। इंटरनेट ना होने की वजह से कारोबारियों को व्यवसाय करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी अब बढ़ गई है।